नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से हैप्पी लाइफ विथ बोकारो गार्डन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यहाँ जो आप पौधा देख रहे हो, ये तुलसी का पौधा है। और मैं आज जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रही हूँ वह है कि 7 ऐसे पौधे हैं जो, मतलब ऐसे तो ढेरों पौधे हैं, लेकिन उसमें से मैं 7 का नाम शेयर करने जा रही हूँ जो आपके घर के लिए काफ़ी शुभ होते हैं। अगर आपसे संभव हो तो इन पौधों को ज़रूर अपने घर में लगाएं, जिसमें पहला नंबर पर आप तुलसी के पौधा को रख सकते हो, जो मेडिसिनल भी है, बहुत सारी बीमारियों में हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है तुलसी का पौधा। साथ ही हमारे घर में निगेटिव एनर्जी को आने से रोकता है। यहाँ तक कि हमारे घर पर कोई आपत विपत आने वाली होती है तो इसको भी ये अपने पर ले लेता है, खुद सूख जाता है, लेकिन आपको आपत विपत आने से, परेशानी से ये बचाता है तुलसी का पौधा। दोस्तों, इसको घर में लगाने में उत्तर पूर्व दिशा में लगाना उचित रहता है, उसे घर में सुख समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली बनी रहती है। दूसरे नंबर पर दोस्तों, ये आंवला का पौधा। इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है, तो इसका पौधा भी आपको अपने घर में रखना अच्छा रहता है। और इसके भी बहुत सारे उपयोग हैं, इसके भी बहुत से आपको मेडिसिनल उपयोग भी हैं, साथ ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाने में, और इसमें हर एक देवता का वास होने के लिए के कारण यह पौधा आपके लिए, आपके घर के लिए काफ़ी शुभ है। तीसरे नंबर पर दोस्तों, ये शमी का पौधा। ये जो पौधा है ये भी आपके घर के लिए काफ़ी शुभ माना जाता है। इसको घर में, दरवाजे में, बाहर जाने के समय आपके दाएं हाथ के समय में पड़े और आने के समय, लौटने के समय बाएं हाथ की तरफ आए तो बहुत बेहतर माना जाता है। 4 नंबर पर दोस्तों, अनार का पौधा भी घर में लगाना शुभ माना जाता है। इसे भी आप घर में लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसे गमले में भी लगा सकते हैं। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है और घर में सुख शांति और धन धान्य से आपका घर परिपूर्ण रहता है। दोस्तों, 5 नंबर पर केला बनाना का पौधा भी आपके घर के लिए काफ़ी शुभ होता है, इसको भी आप अपने घर में लगा सकते हैं। तुलसी के पास अगर केला का पौधा रहता है तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है, इसको भी आपको उत्तर पूर्व दिशा में लगाना अच्छा रहता है। 6 नंबर पर दोस्तों, अकवन, सफ़ेद अकवन का पौधा फूल अगर आपके यहाँ घर में आपके है या आपके आगे पीछे कहीं भी है तो वो आपके लिए शुभ होता है। 6 नंबर पर दोस्तों, नारियल का पौधा आपके घर में शुभ माना जाता है। दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर शेयर कर दूँ कि मैं आपको नारियल के फल से नारियल बनाकर बोकारो गार्डन में दिखाई हुई हूँ, वही पौधा यह है। और ये घर के लिए काफ़ी शुभ होता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाता है। 7 नंबर में दोस्तों, ये बेल का पौधा, ये भी आपके घर के लिए काफ़ी शुभ होता है, इसको आप अपने घर में, बगीचे में, कहीं भी इसको लगा सकते हैं। दोस्तों, 8 नंबर पर आप कनेर अभी मेरा पौधा बाहर में है और बारिश हुई है तो वहाँ पर बहुत गंदगी हो गई है, मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो कनेर का पौधा भी आपके घर के लिए आप बगीचे में लगा सकते हो, वो भी फायदेमंद है, आपके घर में खुशहाली लाने में बहुत ही शुभ है उसका फूल। और 9 नंबर पर दोस्तों, अशोक, जो सर्व ज्ञात है कि अशोक का पौधा घर में होना ही चाहिए, तो मैंने कहा तो 7 था आपको, लेकिन यहाँ आते आते मुझे 9 पौधे याद आ गए, तो मैंने उसे शेयर किया आपसे। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर आप लाइक कर दिया करें, साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आप सबों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।